मोहम्मद हफीज ने कहा है कि आजम खान को कुछ भी कहना बेकार है और वो इंटरनेशनल क्रिकेट को सीरियस नहीं लेते। उन्होंने बताया कि जब मैं डायरेक्टर क्रिकेट था तो 2 किलोमीटर जो और प्लेयर्स थे वो 10 मिनट में जो है तय कर लेते थे, लेकिन आजम खान उस वक्त भी 20 से 25 मिनट लेते थे। उन्होंने कहा मोटा या पतला होना मेरा वो नहीं है, मैं कहता हूँ कि ज़ाहिर जिस चीज़ पर आपने जिन असूलों पर आपने उतरना है टैलेंट के साथ वो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने कहा हमने डाइट प्लान भी दिया लेकिन ये सीरियस नहीं लेते। देखिए वही बात है जो हमने लास्ट टाइम की थी कि जब तक आजम खान खुद सीरियस नहीं होंगे तब तक उनको कोई भी सीरियस नहीं कर सकता। अगर मैं आजम खान के ट्रेनर की बात करूं तो शेजर मोहम्मद के साथ वो ट्रेनिंग करते हैं और बहुत सारे क्रिकेटर्स उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं और वो फिट हैं, तो आजम खान खुद उस तरह का इंटरेस्ट नहीं लेते कि उनके साथ काम किया जाए। और उनकी लाइफ में सबसे बड़ी मोटिवेशन जो थी उनके फादर थे जो इतने ज़बरदस्त क्रिकेट थे, फिटेस्ट थे, अगर आप उनको फॉलो नहीं कर सकते तो फिर इट मीन्स कि आप सीरियस नहीं ले रहे। तो ये एक ड्रॉबैक है आजम खान के लिए। लकी थे कि वो इस हद तक आगे आए, जब टीम में आ गए थे उसके बाद उनको काम करना चाहिए था लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं किया और उनकी फिटनेस पहले से भी हमें ख़राब तर नज़र आई। और ये इतना क्रिटिसाइज भी हो रहे होते हैं लेकिन उसके बाद भी हमें वो काफ़ी यूएसए की वीडियोस में नज़र आए, यूएसए से आने वाली वीडियोस में नज़र आए कि वो कहीं स्टॉल पे खड़े होकर बर्गर खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। देखिए आपके खाने पीने से प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ज़ाहिर है आप एक इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपकी फिटनेस उस लिहाज से होनी चाहिए। खुद ये कह देना कि मैं फिट हूँ ये बनता नहीं है। हमारी ट्रांसमिशन